तो आपको गुस्सा करना अलाउड नहीं है वह नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह वैसे नो एंगर जोन इधर गुस्सा नहीं कर सकते आया है तो बाहर जाओ कर क्या? या नहीं कर सकते या नहीं कर सकते, सकते। क्यों स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई क्यों नहीं कर सकते सबके बीच क्योंकि कर आप रहे हैं नुकसान हमारा हो रहा है इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है तो आप जाइए वहां वो कमरा है उधर गुस्सा करिए वापस आइए कर सकते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते क्यों <coughs> हां जी आफ्टर समाइम वी विल नॉट even हैव टू डू दैट why जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की तो हम दिन में दो चार बार दो चार बार कर देते हैं अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा वो संस्कार पक्का होता जाएगा जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छोटेगी क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी पक्का लेकिन अगर अब उन्होंने कहा तीन दिन बिल्कुल नहीं तो वो तीन दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ कि उसको कर्म में आने नहीं देना जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी स्ट्रेंथन होती जाएगी डोंट यू थिंक वी शुड हैव एंगर बैंड इन प्लेसेस ऑफ हीलिंग ना डॉक्टर सिस्टर को करे ना सिस्टर्स एक दूसरे को करें ना कोई जो सेवा कर रहे हैं सफाई कर रहे हैं कोई उनको करे और ऑब्वियसली ना कोई इरेटेट होके पेशेंट से बात करे तो पूरी एनर्जी नहीं चेंज हो जाएगी उस जगह की हीलिंग दवाइयों से नहीं होती है सारी हीलिंग एनर्जी से भी होती है हम एक जगह पर एंटर करें आप यहाँ आए आपको एक सूदिंग इफेक्ट ऑलरेडी फील हो रहा है हो रहा है कि नहीं हो रहा है yeah. हमें दूसरों को कंट्रोल करना ही नहीं है हमें तो दूसरों को कंट्रोल करना ही नहीं है हर जगह के कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं होते हैं हर जगह के कुछ डूज इस जगह पर ये अलाउड है ये अलाउड नहीं है जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते पहले उठा देते थे ऐसे ही थोड़ा सा रूलर मारा किसी ने चौक मारा किसी ने थोड़ा फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड उस दिन के बाद बंद हो गया तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरनमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है हम एक दर्द का एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा दूसरे ने तीसरे को डांटा तीसरे ने चौथे को डांटा तो फिर पांचवें ने तो पेशेंट से इरिटेट होकर बात कर ही लेनी है दर्द में आया है सामने वाला दर्द में आया है वैसे कंफ्यूज है उसको कुछ नहीं पता उसको क्या हुआ है अभी अभी या तो उसको रिपोर्ट मिली और उसको पता चला कि उसको कोई बहुत बड़ी बीमारी है उसने किसी से दो क्वेश्चन पूछे और उसने इरिटेट होके उसको जवाब दे दिया क्या कर्मा बना रहे हम बैठ कर अपना क्या बना रहे हैं सिर्फ क्यों क्योंकि हम उस वातावरण में हैं वेर दैट्स इन द वाइब्रेशन इन एयर अपने लिए नियम बनाते हैं कि सुबह से शाम तक वाइल आई एम हियर मुझे गुस्सा करना अलाउड नहीं है वैसे भी हम अपनी चॉइस से गुस्सा करते हैं हम सबको गुस्सा नहीं करते हैं क्या आप सबको गुस्सा करते हैं नहीं आप किन को गुस्सा करते हैं आप किन को गुस्सा करते हैं जिनको अलाउड है जिनको अलाउड नहीं है वहां चुप इनके सामने कुछ नहीं बोलना चाहे अंदर से बुरा लग रहा हो लेकिन बाहर नहीं आएगा बाहर नहीं आया तो भी आधा काम हो गया संस्कार बच गया बच गया फिर बाहर फिनिश करके धीरे धीरे फिर अंडरस्टैंडिंग के साथ ज्ञान के साथ आत्मा के पावर को बढ़कर वो अंदर भी खत्म हो जाएगा क्या हम बाहर के लिए खत्म करने के लिए रेडी हैं पहले फिर अंदर भी करेंगे रेडी है कैन यू मेक दिस अ पर्सनल लॉ फॉर योर लाइफ एंड जब आप करना शुरू करेंगे ना और आपको उससे लाइटनेस जो फील होगी क्योंकि एनर्जी डिप्लीट नहीं होने वाली सारा दिन के अंदर आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो भी कम्फर्टेबल हैं डू यू नो इफ समबडी इज़ इन फियर बिकॉज ऑफ यू वो आपको कौन सी वाइब्रेशन भेज रहे हैं इफ आई एम इन फियर बिकॉज ऑफ यू क्योंकि आपने मुझे लास्ट वीक डांटा था आज नहीं डांटा बिल्कुल भी लेकिन आई एम इन फियर वो मेरा संस्कार है तो मेरी फियर की वाइब्रेशन किसकी वजह से है? आपकी वजह से है वो एनर्जी जाएगी आपको सो so, हमारे आसपास के लोग भी कैसे होने चाहिए कंफर्टेबल वो कब होंगे जब हम कंफर्टेबल एंड जब हम सब मिलकर कंफर्टेबल हीलिंग करने जाएंगे तो मुरकल्स ही क्रिएट होंगे उसके अलावा क्या हो सकता है और तो बनाए नियम अपने लिए बनाए नियम अपने लिए वैसे भी एंजल्स को तो अलाउड ही नहीं है तो जब ऐसे करके हम शाम को घर जाएंगे सर्कल कैसा होगा हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था हम एक छोटे से ग्रुप में थे तो एक मशीन लाई गई ऐसे जिससे ऑरा टेस्टिंग होती है ठीक है और ऑडियंस में से एक डॉक्टर को बुलाया गया आप आ जाओ यहाँ पे उनकी और चेक की उनकी और बहुत अच्छी थी और टेन फीट थी मतलब एनर्जी फील्ड बहुत पावरफुल है दस फीट तक उसका प्रभाव पड़ रहा है तो उन्होंने कहा आपकी और बहुत अच्छी है फिर उनको कहा गया आप आँख बंद करें और लास्ट जब आपने गुस्सा किया था उसको याद करें गुस्सा करें नहीं सिर्फ जब लास्ट आपने गुस्सा किया था उसको याद करें तो उन्होंने आंख बंद की उसको याद किया जब उन्होंने गुस्सा किया था इट टुक वन मिनट और लेस देन दैट उसके बाद उनकी एनर्जी फील्ड चेक इट वॉज इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी उनकी एनर्जी फील्ड हैड फॉलन अप टू थ्री फीट कोलेप्स्ड इन वन मिनट एनर्जी इतनी जल्दी बढ़ती और घटती है फिर उनको कहा गया अब आंख बंद करें और फिर ये थॉट क्रिएट करें आई एम अ प्योर सोल पीसफुल सोल इट्स माय नेचर अगेन वन मिनट मेडिटेट करें वापस एनर्जी फील्ड हैड गॉन बैक टू नॉर्मल एनर्जी का बहुत बड़ा प्रभाव है तो छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना क्योंकि हम हीलर्स हैं हम एंजल हैं और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ़ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे सबसे पहले कौन बच जाएगा हम खुद हम काम करेंगे काम करवाएंगे डिसिप्लिन करेंगे डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे लेकिन हिले बिना इट्स ओनली अ लाइफ स्टाइल चेंज दीज आर लाइफ स्टाइल चेंजेस ये लाइफ है ये लाइफ है एनर्जी लाइफ है ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है तो ये लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफ स्टाइल कहते हैं लाइफ स्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग ड्रिंकिंग वेयरिंग लाइफ स्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग स्पीकिंग बिहेविंग दैट्स माई लाइफ स्टाइल एंड अगर आज आप हम सबको बताते हैं कि मेजोरिटी ऑफ इलनेसेस आर लाइफस्टाइल डिजीजेस तो फिर उनको सिखाने से पहले तो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा हर एक पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन पर लिखते हैं आपको ये करना है ये करना है ये करना है ये दवा खानी है ये एक्सरसाइज करनी है ये और नीचे लिखते हैं जब तक यह इलाज चल रहा है गुस्सा करना अलाउड नहीं है साइन बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ हीलिंग आप नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं और आप हीलिंग चाहते हैं बॉडी की पूरी फैमिली को बता दे कि पुराना जीवन जीने का तरीका हीलिंग को ऑब्स्ट्रक्ट करता है लेकिन बता कौन पाएगा जो खुद लेते हैं वो दूसरों को पेशेंट्स को कहते हैं रोज शाम को एक इज ओके okay. जो खुद खाते हैं वो पेशेंट को कहते हैं कि इससे तो प्रोटीन मिलती है इसी तरह जो खुद गुस्सा करते हैं वो पेशेंट को कहते हैं गुस्सा करना तो नेचुरल है जो छोड़ देते हैं जो उसका बेनिफिट देखते हैं वो सबको कहते हैं ये कर लो आधा इलाज तो आपका इसी में हो जाएगा बैटरी चार्ज यहां से बैटरी चार्ज होगी तब तो इस शरीर को कोई एनर्जी मिलेगी तब तो ये शरीर ठीक होगा दवा भी किसको लगेगी शरीर के अंदर वो ताकत यहां से आप दवा दे रहे हैं प्रोसीजर कर रहे हैं और यहां से मैं टेंशन एंजाइटी फियर सब कुछ क्रिएट कर रहे हो आप कहेंगे इनको ठीक क्यों नहीं हो रहे इतने दिनों गए बोथ हैव टू बी इन हारमनी And that's why it is science and spirituality, medication and meditation. And meditation lifestyle means Satyogi Sanskar.